एवरीबॉडी, आज मैं आपको लेसन 5 पढ़ाऊंगी जो फ्लेमिंगो का चैप्टर है। ये इस चैप्टर का नाम है इंडिगो और ये लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया, इनके ऑथर हैं लुइस फिशर। एक्चुअली ये गांधी जी के द्वारा मतलब गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल इस इंडिगो चैप्टर में दिया गया है। देखिए इंडिगो का मतलब होता है एक्चुअली अफीम, नील, जिसको नील की खेती कहा गया है। ये 1917 की बात है जब गांधी जी के दिमाग में आया कि वो अंग्रेज को किस तरह से भारत से भगाएं, तो वो लुइस फिशर को अपना बात बताते हैं कि किस तरह से वो दिमाग में इस बात को लाए और वो क्या क्या इसके लिए किए। गांधी जी ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेज को भगाने के लिए, तो इंडिगो में इसी बात को दर्शाया गया है। क्योंकि चंपारण जो एक जगह है जो मुजफ्फरपुर के पास है, जिसकी राजधानी पटना के पास कहिए वो, तो इसकी राजधानी मोतिहारी है। तो ये जो गांधी जी जो हैं, इसमें उन्होंने चंपारण के गरीब किसान जो पुअर पीजेंट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा जो काउज उन्होंने वहाँ पर लिया है। तो देखिए कैसे कहानी में वो क्या बताते हैं। गांधी जी बताते हैं 1917 में वो लुइस फिशर को इस बारे में बताते हैं कि 1916 में लखनऊ में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें गांधी जी पहुँचे थे। वहाँ पर एक चंपारण का शेयर क्रॉपर जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, ये एक्चुअली एक लीडिंग शेयर क्रॉपर था जो वहाँ के गरीब की पुअर पीजेंट्स थे, पीजेंट्स का मतलब किसान, उनका ये लीडर था। वो थोड़ा निडर था, वो जो है उस लखनऊ कॉन्फ्रेंस में पहुँचा। वो गांधी जी को चंपारण में जो जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे वो जो तकलीफ दे रहे थे वहाँ के गरीब किसानों को, उसके बारे में वो बताने के लिए गांधी जी के पास पहुंचा। क्योंकि उन लोगों को पता चला था कि गांधी जी जो हैं वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में मूवमेंट चला रहे हैं, तो वो वहाँ पर पहुंचा। गांधी जी को उन्होंने चंपारण के बारे में वो किसान जो है बताया, लेकिन गांधी जी कभी चंपारण का नाम ही नहीं सुने थे। तो बोले मैं तो चंपारण के बारे में जानता नहीं हूँ। तो फिर वो डिटेल बताए, राजकुमार शुक्ला जो थे वो बताए गांधी जी को। पर गांधी जी उस समय फ्री नहीं थे, गांधी जी बड़े बड़े जगह में जा कर के और अंग्रेज के खिलाफ मूवमेंट चलाते थे, लोगों को जानकारी देते थे कि हमें किसी तरह इनको क्या करना है, भगाना। तो बहुत सारे जो है कॉन्फ्रेंस वो अटेंड करते थे, विजिट भी करते थे। तो गांधी जी वहाँ पर फ्री नहीं हुए, तो वो जो पुअर पीजेंट्स जो कि शेयर क्रॉपर था, वो गांधी जी के साथ साथ कई जगह गया। वो कानपुर गया, वो लौटते समय साबरमती का आश्रम भी गया गांधी जी के साथ, बहुत जगह वो गया गांधी। लेकिन गांधी जी को वो नहीं छोड़ा, वो गांधी जी से बोला कि आप एक निश्चय समय दीजिए कि आप कब मेरे साथ चंपारण चलेंगे और मैं कहाँ आऊँ आपसे मिलने। तब गांधी जी बताए कि मैं कोलकाता अधिवेशन में जब कोलकाता पहुँचूँगा उस समय आप मेरे पास आओ। तो जब गांधी जी कोलकाता पहुँचते हैं तो ये शेयर क्रॉपर जो है राजकुमार शुक्ला वो वहाँ पहुँचता है। गांधी जी के साथ बहुत दिन तक वो स्टे करता है, फिर भी वो गांधी जी को नहीं छोड़ता है। अंत में गांधी जी कंपेल्ड हो जाते हैं, उसके रिक्वेस्ट को वो ठुकरा नहीं पाते हैं और वो उसके साथ पटना चलने के लिए तैयार होते हैं। ये उन शेयर क्रॉपर के साथ पटना आते हैं, पटना में बहुत गर्मजोशी से इनका स्वागत होता है और उसके बाद फिर ये मुजफ्फरपुर में जा पहुँचते हैं। मुजफ्फरपुर में जेबी कृपालानी जो थे वो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गांधी जी का स्वागत करते हैं स्टेशन पर, और वहाँ पर भी जो है वो एक प्रोफेसर के घर में गांधी जी रुकते हैं। जेबी कृपालानी के घर में तो नहीं रुकते हैं, वो किसी दूसरे प्रोफेसर के घर में वो वहाँ पर ये रुकते हैं। लेकिन वो चंपारण सीधे नहीं जाते हैं क्योंकि वो
वो चाहते हैं कि चंपारण का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, जो कि इन अंग्रेजों के खिलाफ है, वो सारा पहले स्टोर कर ले, अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद जो है मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए वो चंपारण में रह के वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे, तो वो जो है वो वहाँ पर रुके। और वहाँ पर जो है जब चंपारण के किसानों को पता चला, तो वो सारे किसान, बहुत सारे वकील भी आए वहाँ पर। तो वकील जो कि चमचागिरी करते थे अंग्रेजों का, वो कुछ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स लेके और आए गांधी जी के पास। गांधी जी बहुत लताड़े, वो बोले आप भारतीय हो करके और एक भारतीयों का सपोर्ट नहीं देते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, और इनको देखते रहते हो कि वो कैसे इन्हें सताते हैं। बहुत लताड़ा उन्होंने, और फिर ये लड़ाई आगे करने का ये ठान लिए गांधी जी। गांधी जी जो है आगे मोतिहारी पहुँचे, बहुत सारे वकील, बहुत सारे जो पुअर पीजेंट्स थे उनके साथ वो मोतिहारी पहुँचे। अंग्रेजों को पता चल गया कि गांधी आ गए हैं और ये मतलब एक आंदोलन करने वाले हैं। ये खबर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी अंग्रेजों के, कि इस तरह का गांधी जी जो है वो पुअर पीजेंट के लिए एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले तो गांधी जी जानना चाहते थे कि इनका काउज क्या है। एक्चुअली चंपारण की ज़मीन जो थी वो पथरीली ज़मीन थी, और उस पर धान चावल हो नहीं सकते थे। तो ये जो अंग्रेज थे, इनको वो सारे ज़मीन को अपने अधिकार में किए हुए थे, और मात्र 15% ज़मीन जो है उनका, उन्हीं का ज़मीन था, चंपारण के गरीब किसानों का ज़मीन था, उस पर ये हक जमाए हुए थे। और 15% ज़मीन जो है, लैंड जो है, वो गरीब किसानों को उस पर नील की खेती करवाते थे, और बाकी ज़मीन पर जो खेती करवाते थे वो सारे पैसे वो खुद ले लेते थे, मुआवजा के रूप में ले लेते थे वो। तो ये उन्होंने कुछ एग्रीमेंट ऐसा करवा लिया था। लेकिन अब क्या था कि जर्मनी जो है वो सिंथेटिक नील बनाने लगा था, सिंथेटिक अफीम बनाने लगा था, तो इसकी भी ज़रूरत उनको ख़त्म हो गई थी। तो वो जो है उस माने उनको खेती करने के लिए अब फिर से मुआवजा मांगने लगे थे कि मैं तो फ्री करूँगा लैंड, आप मुआवजा हमको दो। तो ये बात जो है वो इनको यहाँ के गरीब किसानों को पच नहीं रहा था कि भाई हमारा ज़मीन है, हम अपने ज़मीन के लिए क्यों पैसा दें, फिर से पैसा क्यों दें, ये बात उनको पच नहीं रहा था। यही कारण था कि ये अब विरोध कर रहे थे। तो ये अगेंस्ट जो जा रहे थे, तो उस पर बहुत अंग्रेज जो है उनको सताते थे, उनको बहुत मार पीट करते थे। तो ये अब जो है सर से पानी जो है ऊपर की ओर जा रहा था। गांधी जी सारे बात को जान करके और आगे बढ़े, मोतिहारी की तरफ बढ़े, और मोतिहारी के तरफ जब आगे बढ़ने लगे तो काफ़ी जो है काफ़ी जो लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये लोग जो बिहार से थे वो थे, जे बी कृपालानी थे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे इनका साथ दिए, बहुत वकील, बहुत सारे किसान जो है वो साथ दिए। लेकिन जो है ये कुछ काम जो था ये इलीगल काम कर रहे थे गांधी जी, क्योंकि ये उनके ये लीगल काम नहीं था उनके लिए कि किसी दूसरे स्टेट में जा कर के और वहाँ फिर किसी कानून के साथ जो है खेलना। पर गांधी जी जो है वो इलीगल काम करना चाहते नहीं थे, पर उनके सामने उनका ड्यूटी आया। एक ड्यूटी था कि वो एक भारतीय थे, तो सबसे पहले तो एक भारतीय थे वो, बाद में वो एक एडवोकेट थे। तो उन्होंने अपने जो है सोल ऑफ कॉन्शियंस, जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ जो है, पहले उन्होंने सुनी। वो बोले मैं तो पहले भारतीय हूँ, और मैं पहले भारतीय होने के नाते चाहे ये इलीगल काम क्यों ना हो, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो ये जो है गांधी जी अड़ गए। इधर अंग्रेज लोग को अब पता चल गया, वहाँ के जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे वो जान गए कि गांधी जो है अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही सेल्फ डिटर्मिंड गांधी जी थे। गांधी जी का एक अंग्रेज दोस्त था सी एफ एंड्रयू, मैंने लिखा है
उनका भी एक बड़ा रोल था। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो मतलब मोतिहारी पहुंचे तो सीएफ एंड्रयू उनको बोले कि मैं आपको आपके स्वतंत्रता की लड़ाई में मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं। तो वो बोले नहीं, मैं जो है कभी भी अपने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अंग्रेज का साथ नहीं लूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने भारतीयों को सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया है, उन्होंने आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया कि हम अपनी लड़ाई में भाई अंग्रेजों का साथ क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम अपने बल बूते पर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो सीएफ एंड्रयू को भी वो साइड कर दिए। इधर जो है जब इनका मूवमेंट बढ़ने लगा तो काफ़ी जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे वो डर गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म किया तो वो बोले अरेस्टिंग का ऑर्डर दो। तो इनको अरेस्टिंग का ऑर्डर आ गया। अब गांधी जी रात भर चिंतित रहे कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो गांव के जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको ये बहुत परेशान करेंगे, जो अंग्रेज है बहुत सताएंगे, थोड़ा चिंतित तो हो गए। तभी जो है जो बड़े बड़े लीडर्स थे बिहार के, जो आसपास के जितने भी लीडर्स थे वो बोले कि नहीं, चाहे जो किसान थे वो बोले नहीं, जब तक से मेरी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक से आपकी अरेस्टिंग तो हो ही नहीं सकती, वो मेरे लाशों से गुजर के जाएंगे अगर आपको वो अरेस्ट करने आए। गांधी समझ गए कि मैं ये लड़ाई जो है बिना, जो ये मूवमेंट जो है बिना लड़ाई किए बिना हिंसा किए जीत जाऊंगा, और उन्होंने वो चुपचाप हो गए। दूसरे दिन अंग्रेज ऑफिसर्स इनको अरेस्ट करने के लिए आए, तब तक तो पूरा पैकअप हो गया, पूरा चारों तरफ गांधी जी को चारों तरफ से पूरे पुअर पीजेंट्स जितने थे नेता सब घेर लिए कि पहले मेरा अरेस्टिंग करो फिर गांधी का अरेस्टिंग करोगे। वो हार मान गए अंग्रेज अधिकारी और वो उन्होंने तुरंत अपने गवर्नर को जो है वो खबर किया और उन्होंने कहा कि तुम जो है एग्रीमेंट को, किसी एग्रीमेंट पे आ करके मूवमेंट को जो है ख़त्म करने का उपाय करो। वो ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए। उसके बाद वो लोग जो है वो बोले कि ठीक है, वो बैक चले गए, बैक फ्रंट पे चले गए जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने अरेस्टिंग नहीं की। अब वो एक एग्रीमेंट, गांधी जी बोले कि जितना भी ज़मीन है तुम इनको वापस करो, पर वो जो है और जितना भी पैसा तुमने लिया है इनसे वो सारा पैसा इनको वापस करो। लेकिन वो जो अंग्रेज ज़मींदार जो थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो उनके चंपारण के लोगों का ही कब्जा करके लैंडलॉर्ड्स बने थे, वो जो हैं वो बोले कि नहीं, मैं 25% ही वापस करूंगा। पहले तो गांधी बोले कि कम से कम 50% करो, तो बोले नहीं, मैं 25% वापस करूंगा। गांधी जी उतना ही में तैयार हो गए। गांधी जी उतना ही में क्यों तैयार हो गए? गांधी जी उतना ही में इसलिए तैयार हो गए क्योंकि गांधी जी के लिए 25% इशू नहीं था, मेन इशू था कि मुट्ठी भर जनता जो है वो इनको 25% झुका सकती है। तो अगर भारत की पूरी जनता एक साथ मिल जाए तो बिना लड़ाई के ही, बिना हिंसा किए ही वो सारे अंग्रेज चले जाएंगे। ये बहुत, चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, उनके सोच में बहुत बड़ा बदलाव किया। क्योंकि वो जो बड़े बड़े सिटी में जा कर के सब जगह कॉन्फ्रेंस करते थे और लोगों को समझाते थे कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ो, उन्हें पता चल गया कि ये असली ताकत जो है वो गांव में है, गांव के लोगों को ही समझाना है। और ये एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन की। उसके बाद ये मूवमेंट, इस मूवमेंट का नाम पड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल का मतलब सविनय पूर्वक, डिसओबीडियंस मतलब अवज्ञा का अवहेलना करना। तो वो इलीगल काम किए इसलिए अवज्ञा शब्द आया है। लेकिन चूँकि वो एक ड्यूटीज में, एक भारतीय के ड्यूटी में फंसे हुए थे, उसमें सविनय पूर्वक सिविल डिसओबीडियंस वार, सविनय पूर्वक उन्होंने अपने ड्यूटी के कारण उन्होंने इस आज्ञा का अवहेलना किया, इसलिए इस मूवमेंट का नाम पड़ा सिविल डिसओबीडियंस वार।
और ये गांधी जी के लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी के बेटा देवदास जो हैं यहाँ पर आए हैं, उनके बेटा का नाम था देवदास, वो भी यहाँ पर आए। कस्तूरबा गांधी भी यहाँ पर 3 महीने तक रुकी। चंपारण में बहुत व्यवस्था को ठीक किया गया, सैनिटरी व्यवस्था को ठीक किया गया, बहुत सारे स्कूल खोले गए। 7 महीना तक गांधी जी रुके हैं। उनके सारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो चंपारण में रुक के चंपारण की स्थिति को सुधारे हैं बहुत, और गांधी जी का ये मूवमेंट सफल रहा। तो चंपारण एपिसोड जो है गांधी के लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस तरह इंडिगो का चैप्टर ख़त्म हुआ। तो बहुत सारा क्वेश्चन है कि सेल्फ रिलायंस का पार्ट कैसे पढ़ाया, तो उन्होंने सीएफ एंड्रयू से मदद ना लेकर के सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया। किस तरह से चंपारण एपिसोड उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट पड़ा, क्योंकि चंपारण में ही उनको पता चला कि असली ताकत जो है वो भारत का वो गांव में है। हमें शहर शहर जा कर के नहीं, गांव गांव जा कर के उनके ताकत को, उनको एजुकेट करना होगा, उनको स्वस्थ बनाना होगा, ताकि ये अंग्रेजों के खिलाफ उठ सके। और गांधी जी इसी मूवमेंट के जरिए वो उनका व्यू ही चेंज कर गया और अब वो अहिंसा के पथ पर चले गए, और अहिंसा के पथ पर चल कर ही उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। कृपया आप मेरा सारे वीडियोस को देखें, कहानी को सुने अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चंस को सही ढंग से अटेम्प्ट कर सके। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।